हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलांग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ईएमआरएस की जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस हैं या ऑफिशियल जो नियम हैं, उसमें काफ़ी सारे बदलाव का दौर चल रहा है। तो उसके एग्ज़ाम की डेट भी अभी माफ़ कीजिएगा, एग्ज़ाम की जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है, उसमें भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरने की डेट है उस पर उसमें बदलाव हुए हैं, उसकी डेट 1 महीने आगे चली गई है। और इसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी डेफिनेटली जो है उसकी डेट आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो उसकी जो ऑफिशियल एक पर्टिकुलर जो डेट है वो तो अभी तक आई ही नहीं थी एग्ज़ाम की डेट, लेकिन ये बताया गया था कि एग्ज़ाम किस समय होगा, लेकिन अब उस समय भी एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। तो इस बीच एक और अपडेट है जो कि पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो ये जो अपडेट है वो पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आगे इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि वो अपडेट है क्या। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी अपडेट है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते होंगे ये जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है ईएमआरएस का। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये ईएमआरएस का वेबसाइट नहीं है बल्कि एनटीए का वेबसाइट है। ठीक है, तो ये जो एनटीए की वेबसाइट में जहाँ पर इसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जिस वेबसाइट पर ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन दिया गया है उसी वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको दिख रही होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली नोटिफिकेशन जो है उसी पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन है और आप चाहें तो इसको यहीं से पढ़ सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन जो है पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है और इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं और मैं अभी आपको इसको आपके लिए मैं पढ़ के दिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअली में लिखा क्या है। ठीक है, तो ये जो है एक ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल न्यूज़ है ये हमारे इसके जो उसमें पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नोटिस में आखिर ऐसा लिखा क्या हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि द सिलेबस फॉर सब्जेक्ट नॉलेज पार्ट फोर, यानी कि जो पार्ट फोर में जो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए जो कुछ कहा जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ पीजीटी आईटी। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो पीजीटी आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आईटी वाले हैं तो पीजीटी आईटी के लिए कहा गया है कि फॉर ईटीएसएसई 2021 इज सीबीएसई एंड अनरिवाइज 2021 कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सिलेबस फॉर क्लास 12th विद डिफ़िकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन। यानी कि इसमें आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, पीजीटी आईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कहा गया है कि उनके जो जो सिलेबस होगा उनका वो सीबीएसई का अनरिवाइज 2021 का कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का जो सिलेबस है वही होगा जो कि क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th का जो सीबीएसई का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का, वही सिलेबस उनका होगा और ये जो उनका डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो यही एक अपडेट थी पीजीटी आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो अपडेट है वो पीजीटी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है। पीजीटी आईटी के लिए स्टूडेंट, एक्चुअली बात ये है कि उनके जो सिलेबस है सब्जेक्ट पार्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी पीजीटी आईटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो सिलेबस है उनका सब्जेक्ट पार्ट है उसके बारे में कुछ ऑफिशियल कुछ घोषणा नहीं की गई थी, उनका सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया था। बाकी सभी के सिलेबस के बारे में बता दिया गया था, उन्हीं का सिलेबस बचा हुआ था और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस डाल करके एनटीए के वेबसाइट में उनके सब्जेक्ट पार्ट के सिलेबस के बारे में एक अपडेट दी गई है। तो यही अपडेट थी, तो आप यहाँ पर से भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि उनके सिलेबस के बारे में जो लिखा हुआ है कि उनका जो सब्जेक्ट पार्ट फोर है वो पीजीटी आईटी के लिए सीबीएसई का अनरिवाइज 2021 कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस होगा क्लास 12th का। ठीक है, और डिफ़िकल्टी लेवल उनका होगा ग्रेजुएशन का। तो यही एक बात थी जो पीजीटी आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी पीजीटी आईटी वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही जल्द शुरू कर सकते हैं। ठीक है,
तो वीडियो को एंड करने से पहले फिर से मैं बता दूं कि इस चैनल पर EMRS की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस और अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग उससे मदद ले सकते हैं, उससे अपनी तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम, ये जो EMRS का जो एग्ज़ाम है वो अभी का एकमात्र टीचिंग एग्ज़ाम है, तो आपको पूरा फोकस लगा करके इसको फोकस लगा करके इसकी तैयारी में जुट जाना है। और अभी तक जितने लोगों ने इस पर अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम की, इसकी एप्लीकेशन करने की डेट भी बढ़ चुकी है और एग्ज़ाम की डेट भी डेफिनेटली बढ़ेगी ही, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।